Hey guys, welcome to my channel. So today I will tell you how to become a successful YouTuber. हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल. Not only a YouTuber but also a successful man in life. तो ये कुछ tips and tricks नहीं है, ये बिल्कुल मेहनत की काम है जो करना पड़ता है, ठीक है. क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो टिप्स एंड ट्रिक्स से थोड़ी देर के लिए तो भाई ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पाएगी. जैसे ऊपर उठोगे वैसे ही नीचे आ जाओगे, ठीक है. तो उसके लिए आपको कंस्टेंटली आपको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है. तो उसके लिए हम कुछ आपको बताएंगे चीज़ें कि क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा. तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तब भी बहुत अच्छा है, ठीक है. तो जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में हमने बहुत गलती करते हैं. जैसे हमने वीडियो तो पोस्ट कर दिया 10, लेकिन 10 क्या 100 वीडियो पोस्ट करते थे लेकिन व्यूज तो 2 ही आ रहा है. सिर्फ ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो कंटेंट चुना है, क्या वो कंटेंट एक्चुअल में लोगों को चाहिए, पहले तो ये देखना पड़ता है. दूसरा ये देखना पड़ता है जो कंटेंट मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसको और बाकी कितने लोगों ने पोस्ट कर रहा है. अगर जितने लोगों ने पोस्ट कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को व्यूज आ रहा है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपको भी आ जाएगा. थोड़ी देर पेशेंस तो रखना पड़ता है. और 100 वीडियो पोस्ट करने के बाद भी अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अपने जो तरीका जो अपना रहे हैं ना, तो वो तरीका वो गलत है. क्योंकि अगर सही तरीके से वीडियो पोस्ट करोगे तो फिर डेफिनेटली होगी. तो उसका क्वालिटी क्या है, अपना जो कंटेंट जो आपने लिखा है, उसका जो थंबनेल है, वो उसका जो टैगलाइन है, जो फिर अपना सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है टाइटल. टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और थंबनेल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही फर्स्ट लुक में आता है. तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है. और दूसरी जो चीज़ है वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब सारे टॉपिक को मैं नहीं कवर करूँगा, मैं तो पूरा यूट्यूब को ही कवर कर दूँगा, ऐसा मत करो, ठीक है. जो टॉपिक आपको लगता है कि आप कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब उससे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकते हैं, तो सिर्फ उसी टॉपिक पे ऊपर बनाओ ना वीडियो. ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ कर दूंगा, मैथमेटिक्स भी कर दूंगा, फिर मैं कोडिंग भी कर दूंगा, फिर मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, शॉर्ट्स भी मैं ही बनाऊंगा, एक्टिंग भी मैं ही करूंगा, सब कुछ. तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक. तो जो जो टॉपिक मैंने छोड़ सकता हूँ तो वो सारे टॉपिक छोड़ दो, बजाय 10 टॉपिक में 10 वीडियो बनाने से एक टॉपिक के ऊपर 10 वीडियो बनाओ तो डेफिनेटली एक ना एक चली जाएगी. तो ये मोस्ट ऑफ द पीपल ये गलती कर करते हैं. अगर आप भी देखना अपना चैनल में आपने कितने टाइप्स का वीडियो डाल के रखा है, तो एक काम कर सकते हो, जो है तो वो है, लेकिन इसके बाद अपने से जो वीडियो एक तो व्यूज़ आ रहा है, तो जिस वीडियो में व्यूज़ आ रहा है तो डेफिनेटली उस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो बाकी वीडियो में आपने नहीं कर रहा है. तो उस चीज़ को ढूंढो. हो सकता है वो लोगों को डिमांड में आई थी, हो सकता है लोगों सर्च करके पहुंच गई थी, हो सकता है कुछ अपना थंबनेल बहुत अच्छे से क्रिएट करती थी उस वीडियो में, टाइटल बहुत अच्छे से दिया था जिसको लोग देख के ही अट्रैक्ट हुआ था. ये सब चीज़ें कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, बाकी तो व्यूज आ ही जाते हैं ना. अगर आपने ढंग से करोगे तो यूट्यूब भी आपका वीडियो प्रमोट करेगी बहुत अच्छे तरीके से. तो चलिए, अगर आपका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे को भी. और एक चीज़ जो मैं आपको लास्ट में एक स्पेशल टिप्स के हिसाब से देना चाहूँगा वो है कंसिस्टेंसी. अपना वीडियो पोस्ट करते करते ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि आपने पोस्ट कर दिया फिर छोड़ दिया, फिर कर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है क्योंकि स्टार्टिंग में किसी का भी व्यूज़ नहीं आता है. कुछ लोग स्टार्टिंग में बहुत वायरल हो जाते हैं लेकिन वो बहुत तेज में डूब भी जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ले ही सकते हो रानू मंडल से लेकर के, आप नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत वायरल हो गए थे लेकिन फिर आपको पता भी नहीं होगा कि वो कौन थे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको मतलब ऐसे वायरल होना है कि आप चलते ही चलो, बस चलते ही चलो, आपका ग्रोथ ऊपर ही ऊपर चले, नीचे आने की कोई गुंजाइश ना रहे, क्योंकि आपने हर एक स्टेप को देखा है. ऐसा नहीं है कि आपने बहुत जल्दी जल्दी ऊपर में चले गए, एक वीडियो में 10 लाख आ गया व्यूज, फिर से 2-3 आने लग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए कंटेंट को पहले सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू.